आज अपना ये वाला जो टीवी पैनल है इस पर भी मैं लाइट लगाने वाला हूँ उसके चारों तरफ। छोटी सी झलक आपको दे देता हूँ कि मेरी किचन कैसी लग रही है। अभी काफी अंधेरा हो रहा है। सिट इसका हमेशा का ऐसा ही है, सामने या तो मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ या फिर किसी और के सामने खड़ा हूँ ना, ये मेरी बेइज्जती करा देता है ऐसी। अच्छा मतलब कोई नहीं होता तब एक बारी में बात मानता है। तो मेरा डॉग भी मेरी बेइज्जती करता रहता है सेट लाइफ। रुको एक मिनट, चेहरा बना दू दुखी सा एक मिनट। ठीक था। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग रैंडम व्लॉग है, काफी टाइम बाद। एक तो स्कूटी वाले बाइक वाले जब आएंगे जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा, जब से कोई नहीं आया। अब देखो तीन बाइक निकली है जब सब तक। तो आज मैं 11 दिन बाद अपना व्लॉग बना रहा हूँ। वैसे ऐसे मेरे साथ कुछ दिक्कत हो गई है, ज़्यादा बाहर जा नहीं पाता, अभी घर के अंदर ही रहता हूँ। दूसरी बात, इससे पहले मैंने अपना एक व्लॉग बना लिया है और व्लॉग बना करके मैंने एडिट भी कर लिया है, पर एक छोटा सा काम रह रहा है उस व्लॉग को पूरा अपलोड करने में, क्योंकि यार एडिटिंग में उसके लास्ट में एक पार्ट है जो मैं एडिट कर ही नहीं पा रहा। लास्ट व्लॉग में मैंने अपनी किचन को डेकोरेट किया था, कस्टमाइज किया था, तो उस कस्टमाइजेशन में मैंने अपनी जो किचन का जो कलर है उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया है, बिल्कुल उसको मॉडर्न किचन में तब्दील कर दिया वॉलपेपर की मदद से। अब मैंने उसको बना तो लिया है, अब मेरे को उसमें नीचे स्ट्रिप लाइट लगानी है। अब मैंने दोबारा उसको लगाया, मैंने लगाया, मैं खुश हो गया कि पहले जल्दी से काम निपटा लेता हूँ किचन का, और उसके बाद मैं किचन की सिनेमेटिक वीडियो बनाऊँगा, और सिनेमेटिक वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड कर दूँगा। लेकिन मेरे साथ दो बार ऐसा हुआ कि मैंने उसको जैसे ही जलाया वो फूक गई, मैंने फिर सही करवाया, फिर जलाया फिर फूक गई। अभी कल ही करवाया था मैंने उसमें काम, वो दोबारा फूक गई। भाई मेरा दो दिन बहुत मूड खराब हुआ, पर क्या कर सकते हैं, अब दोबारा बुलाऊंगा, दोबारा चेक कराऊंगा, जब वो जल जाएगी उसके बाद मैं उसको एडिट करूंगा, उसके बाद उसे डालूंगा। तो कुल मिला के मेरा वो व्लॉग आज से कम 20 दिन पहले बन चुका है, पर अभी तक मैं लाइट की वजह से उसे डाल नहीं पा रहा हूँ। तो सेट लाइफ। अब बाबू जी यहाँ करके बैठ गए हैं, बैठे हो आप हैं? अच्छा हेलो करो, चलो हेलो करो, हेलो। सुनाई नहीं आती? नहीं। कान खराब है, नींद के अंदर हो? ये देखो गाइस, ये ऐसे मेरा पैर पकड़ लेता है और उसको काटता है। देखो देखो ये पता नहीं क्या करता है, ऐसे शैतान कहीं का बहुत ज्यादा भाई, जर्मन शेफर्ड बहुत ज्यादा शैतान होते हैं यार। इसको देखो ये मजा आता है, इसके यहाँ को जाऊंगा ना अगर, इसको खुजली करो, देखो इसको मजा आता है। ऐसे आराम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि और करो, मजे से करते रहो बस मेरी। बाय द वे गाइस, आज मैंने अभी तक अपने बाल भी नहीं बहाए हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बाल कटा करके आ जाऊँ, बहुत बड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। मेरे पता नहीं हर बार दो मन होते हैं कि कटवा लेता हूँ, एक मन करता है कि बढ़ा लेता हूँ, इतने लंबे लंबे कर लेता हूँ, पर मेरे साथ एक दिक्कत क्या है कि मेरे से ना संभाले नहीं जाते, तो अभी मेरे को जाकर कटवाने ही पड़ेंगे ना। बाकी आज अपना ये वाला जो टीवी पैनल है इस पर भी मैं लाइट लगाने वाला हूँ उसके चारों तरफ, ब्लू कलर की लाइट है मेरे पास, मस्त सी मैं दिखा दूँ। देखो आपको पूरा ये पूरा निकल गया, ये तो देखिए मैं इसको खींच के बाहर निकाल रहा था लाइट दिखाने के लिए, पूरा ही निकल कर आ गया। तो गाइस जी हमारे पास कहाँ है वो लाइट? तो गाइस हमारे पास ये लाइट है और इसको अभी मैं जला कर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो मस्त रोशनी है इसके, है ना। और इसको ना अपने इस पैनल के चारों तरफ ऐसे ऊपर नीचे जहाँ तक ये लग सकता है उसको लगाऊंगा और मस्त इसको कर दूंगा एकदम। बाकी अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर अभी अभी। मैं ये बोल रहा था कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो भाई, मेरा थोड़ा फायदा करो। देखो सब्सक्राइबर अपने बहुत जल्दी अब कितने 23,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पर व्यूज अभी कम आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज। व्हाई? इतना सुंदर कंटेंट आपको मिल रहा है, इतना प्यारा कंटेंट आपको मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप मेरी वीडियोज में देखते हो। तो आप मेरा व्लॉग देखो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी आप मेरे व्लॉग में बने रहो, मैं इस पर लाइट लगा कर आपको दिखाऊंगा, बहुत प्यारा हो जाएगा। गाइस देखो मेरे से ना देखो वेट नहीं हो रहा आपको किचन दिखाने के लिए, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी झलक आपको दे देता हूँ कि मेरी किचन कैसी लग रही है। अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है लेकिन देखना, देखो ज़्यादा मैंने कुछ दिखाया नहीं पर क्या हुआ, क्या करता रहता है फिर घुस गया मेरी टांगों में। ये देखो इसको कपड़े फाड़ने के लिए, देखिए इसको मारू के तेरे को, मारू के तेरे को नो स्टे। अरे बस,
तो गाइस फिलहाल तो मैं बना रहा हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए, जैसे कि अभी मेरा फिलहाल मन कर रहा है दलिया खाने का। तो पहले मैं दलिया बिल्कुल भी नहीं खाया करता था, पर धीरे धीरे मम्मी ने मेरे को दलिया खाना सिखा दिया, क्योंकि अब मैं उसमें टमाटर प्याज डाल के मस्त तड़का लगा के बनाता हूँ। तो ये सूट देखो मैंने पहन लिया, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर इट्स गुड, कपड़े गंदे होने से बचा लेता है मेरे, ठीक है। तो उमंग की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दलिया, हमने उसके लिए लिए हैं 4 टमाटर। आशा करता हूँ इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाई होगी, अगर निभाई है तो वीडियो को लाइक करें। तो गाइस अब लगाता हूँ मैं लाइट, ओके। तो गाइस लाइट लग गई है बिल्कुल बढ़िया एकदम, ये कैमरे में इतने अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा, क्या करें, लो क्वालिटी का कैमरा है अपने पास अभी, पर धीरे धीरे कैमरा भी अच्छा ले लेंगे। पर अब सामने से देखने में बहुत सही लग रहा भाई, ये बहुत मस्त लग रहा है, सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं एकदम। और ये अपना नीचे भी अच्छी तरह लग गई है लाइट, वहाँ पर थोड़ा सा निकल रहा है, इसको भी ठीक कर देता हूँ मैं, बाकी बहुत सही लग रहा भाई देखने में, कैमरे में इतना अच्छा नहीं पकड़ पा रहा लेकिन। तो गाइस ब्लू वाली लाइट तो मैंने लगा ली है और दिखने में काफ़ी सही लग रही है, मतलब मज़ा आ रहा है देखने में। एक हमारे पास येलो वाली होने वाली, ये येलो कलर में है, तो इसको और लगाता हूँ, उसको टीवी के पीछे लगाता हूँ, तो टीवी के पीछे से लाइट पीछे तरफ जाएगी और ये वाली चारों तरफ ऊपर जा रही है, ऊपर और साइडों में, तो काफ़ी मस्त इफेक्ट निकल कर आएगा। ये और लगाता हूँ, उसके बाद आपको फाइनल दिखाता हूँ जो भी होगा, है ना। तो गाइस येलो वाली लाइट भी लगा दी, देखो मैंने क्या मस्त लग रही है एकदम। अब करते हैं एक बार इसका फाइनल चेक, दोनों तो लाइटों को एक साथ जला के और गेट बंद करके, तो गेट कर देता हूँ मैं बंद जल्दी से, एकदम अंधेरा कर दूंगा ना तो अच्छा लगेगा। और अब मैं करता हूँ ब्लू वाली ऑन, तो अब करते हैं चेक। तो गाइस बहुत सही लग रहा है भाई दिखने में, अभी बहुत प्यारा, ये पता नहीं कैमरे में इतनी अच्छी तरह जस्टिस कर नहीं पाता है, लेकिन सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो बिना ब्लू लाइट जलाए कुछ ऐसा दिखता है, तो मस्त लग रहा है।